रहमतुल्लाही व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो बच्चों, सबक शुरू करने से पहले इल्मे इज़ाफ़े की दुआ पढ़िए मेरे साथ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओके, तो आज हमारा सबक कौन सा है? प्रीवियस क्लास में हमने सूरतुल मुतफ़िफ़ीन की आयत नंबर 5 तक पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे आयत नंबर 6 से। आयत नंबर 6 से लेकर आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 10 तक। तो सबक शुरू करने से पहले तआवुज़ और तस्मिया पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम यकूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, कल्ला इन्न किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन, वमा अदराक मा सिज्जीन, किताबुम मरकूम, वैलुन यौम इज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा है सूरतुल मुतफ़िफ़ीन की आयत नंबर 10 तक। अब आपने अपने सबक की अच्छे से दोहराई करनी है। सबक को एटलीस्ट 5 टाइम्स अपने सबक को आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि जब तक हमें सबक याद नहीं होता, हम आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे से हम सब भूल जाते हैं और फिर हमें कुछ याद नहीं रहता, तो हमें पढ़ना भी नहीं आता। तो जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, आपने वीडियो के साथ पढ़ना है, ताकि आप सुनते भी जाएँ और पढ़ते भी जाएँ। जब हम सुनते हैं तो हमें सबक ज़्यादा अच्छा याद होता है सुनकर। तो इसलिए आपने वीडियो को सुनना है और फिर देखकर उसको याद भी करना है। ठीक है बच्चों, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।